ये मैंने शोर जी के लिए बनाया पनीर के पकोड़े। आज मौसम इतना अच्छा हो रहा था और ये पनीर के पकोड़े। ले गरम गरम हो रहा है पनीर के पकोड़े, हाथ जल गया मेरा तो। और लायबा क्यों खा नहीं रही तुम? लायबा का तो मुंह ही बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबनम और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करूंगी। और आज का व्लॉग स्पेशल है मेरे लिए। और आज मेरी आ रही है खाला जान, जो मेरे दिल में बहुत मोहब्बत है और बहुत अजीज है वो मेरे लिए। और आज मैं खाला के लिए देखो क्या क्या करती हूँ, बस कुछ करने लायक नहीं हूँ लेकिन फिर भी देखते हम क्या क्या करते हैं। और मेरे शोर जी लेकर आए थे, कल लेकर आए थे ये हॉट पॉट, माशाल्लाह से इतना बड़ा लेकर आए हैं कि ऐसा लग रहा था पूरा खानदान की दावत एक साथ करेंगे। हमारी फैमिली के हिसाब से ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये मैंने आज निकाला है क्योंकि आज मैं अपनी खाला जान के लिए कबाब बनवा रही हूँ बाहर से। वैसे तो प्लान ये था कि मैं घर में बनाऊंगी, लेकिन मेरे शोर जी इतने कहते हैं ना, शोर इजहार नहीं करते, ये इजहार ही तो हुआ। उन्होंने सोचा मेरी बीवी परेशान होंगी गर्मी में, इस मारे उन्होंने बाजार में लगवा लिए हैं। अब ये मैं इसमें ही निकल पाऊंगी कबाब। लो हम्माद ले जाओ पापा मंगे। मेरे तो भेजा था कीमा पिसवाने के लिए और शोर जी को इतनी मोहब्बत आई मेरे पे, वो डायरेक्ट कबाब बनवा के ही लिया है। और यकीन करना आप, सिर्फ 15 मिनट भी लगे नहीं है उन्हें, 15 मिनट से पहले ही आ गए वो माशाल्लाह से। मुझे तो ऐसा लगा इस टाइम पे इन्होंने कुछ जादू करा है, कुछ मैजिक करा है। और ये हमारा माशाल्लाह तब बड़ा सा हॉट पॉट। लो खाला जल्दी से गरम गरम खाएं आप और बस देख लीजिए। मैं तो मोहब्बत करती हूँ, मेरे शोर जी भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके माशाल्लाह दमाद है। कबाब तो माशाल्लाह से बहुत सारे हैं, बस टूट के पड़ेंगे हम कबाब तो। हमें भी क्या करना है, काम तो हमारा सारा बच गया माशाल्लाह से। इसका फोटो खींच दे, थंबनेल में डाल दे। हम खाना बैठ गए हैं और माशाल्लाह से सब बिजी चल रहा है। ये मेरी बहन ने मेरी मोहब्बत में दिया है। और अम्माद भाई, हाँ भाई, बड़ा बढ़िया काम करके लाया। अरे बहुत बढ़िया काम कर दिया। फेस कैसे लग रहा है? बहुत भैया यार, पिया ना तो चटनी थी तो बना ली। हमें क्या पता, आप पता नहीं क्या जादू करके आए, मुझे तो लग रहा वाकई। बिस्मिल्ला, बहुत ही बढ़िया माशाल्लाह से। आज तो अपने शोहर को ऐसा कुछ देने का दिल कर रहा है गिफ्ट, कि अगर डायमंड भी होता ना तो मैं दे देती हूँ। वापस उधार कर लो, कह रहा हूँ उधार कर लो। वाह भाई वाह, थम्स अप, मजा ही आ जाएगा अब तो। चलो, और ये मेरे शोर जी कर रहा है कोल्ड ड्रिंक ग्लास में। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, अल्लाह आपसे राजी रहे, अल्लाह आपको खुश रखे। वाह भाई वाह, फेस को मत देना, फेस को डॉक्टर ने मना करा है बोतल के लिए। मत पियो तुम दोनों, इमली है लो, ले लेना। पहले खाला को दो, अरीबा को दो, अरीबा बहन को दो। माशाल्लाह शोर जी का हाथ लंबा है वैसे। इतना हेवी खाना खा रहा है, हजम करने के लिए भी तो कुछ पियेंगे। बढ़िया लगा मुझे, करी बड़ा है, मुझे बड़ा नहीं है, अच्छा है, होना चाहिए तबड़ा। देखो जल्दी से कबाब बन कर आना, इसके ना गरम गरम रहेंगे। ये तो माशाल्लाह, इसको हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं, अच्छा। कहीं हम घूमने जाएंगे ना नैनीताल वगैरह, हम लेकर जाएंगे साथ में और बिरयानी बना के लेके जाएंगे। तो हम खाना खा के हम बैठ गए हैं और आज मेरी अरीबा बहन आई है, इतनी बस जान से प्यारी है मेरी बहन कि आती तो मेरा फेशियल करा, आईब्रोज बनवा दी और अब मेहंदी लगाने की कह रही है कि बाजी मेहंदी लगा लीजिए आप। अब मैं मना कर रही हूँ क्योंकि वो भी थकी हुई है, अपने घर से भी काम करती हुई आती है
तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो नहीं मान रही। बहन तो बहन है, बहन बहन के लिए कभी भी हाजिर रहती है। और ये अरीबा ने मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दी है, और अरीबा के खुद हाथ पे लगी हुई है मेहंदी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। नहीं मैं तो नहीं लगा रही मशीन, मेरी बहन इतनी मेहनत कर रही है माशाल्लाह। अब मैं हटा दूं, दो साल कंप्लेंट होने लगा, मैं पता नहीं 14 को नहीं लगना, 15 को नहीं लगना। जब मेरी दिन तारीख हुई थी तो अरीबा ने लगाई थी मेहंदी ना, और शादी में लगाई थी नेहा ने, जब अरीबा को नई नई सीख रही थी अरीबा। माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत डिजाइन बना रही है अरीबा। कभी मुझे भी मेहंदी लगानी आती होती, मुझे बहुत शौक है मेहंदी लगाने का, पर मुझे आती नहीं है। ये देखो लायबा मेरे हाथ में लग गई है, ये लायबा को भी हिरस हो रही है अब के मेरे भी लगाओ, जो मैं करोगी वो तुम करोगी। और ये लग रही है लायबा ने तो दोनों हाथों में लगवा ली, वाह भाई वाह। मैंने एक हाथ में लगाई है, लायबा ने दोनों हाथों में। लायबा बहुत फास्ट चल रही है हमारी। और ये मेहंदी मेरी सूख गई है, ये मेहंदी मैं हटा रही हूँ क्योंकि बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन धोने मुझे बहुत सारे हैं, और ये मेहंदी मैं हटा रही हूँ। दिल नहीं कर रहा वैसे मेहंदी हटाने का, लेकिन ये है कि मुझे बर्तन धोना है। झाड़ू तो लायबा ने दे दी थी मेरी। ये लायबा मेरी मदद कर रही है, देखो बेटियों का ये होता है। लायबा कह दी अम्मी लाओ मैं हटाऊं, और ये सब लायबा हटा रही है मेरी। लायबा ने अपनी तो बहुत जल्दी हटा ली है, वरना लगी रहती ना बहुत अच्छी रचती। देख मेरी कितनी अच्छी रचेगी, सुबह तक और कलर अच्छा आ जाएगा मेरी मेहंदी का। और आज दिन भर में हमने खूब मजे करे, खूब माशाल्लाह शामी कबाब के भी मजे लिए दोपहर में, और रात को ये सीख कबाब के मजे। और आज का दिन भी बहुत ही बढ़िया गया। अरीबा ने जैसे मेरे फेशियल वगैरह करा तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना कि ऐसा लगता है हम स्पेशल हैं, जब हमारे कोई केयर करता है ना। तो आज खूब मज़ा आया, खूब इंजॉय करा हमने। और आज का ब्लॉग हम यहीं पर ही एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़। और कल न्यू ब्लॉग के साथ में आएंगे हम इंशाल्लाह, बढ़िया सा बढ़िया लेकर आऊँगी, बनाऊँगी। और अल्लाह हाफिज़।